ये ग्राम जाजो का मसला है। इसमें पूर्व प्रधान थाना सिंह है, उनका जो है दो पुत्र है। एक लड़का ललित जो अभी फौज में है, वो अपनी छुट्टी पर आया हुआ था, और उसका भाई, दोनों और उन्हीं के परिवार में आपस में नोकझोंक हुई। उसके बाद फायरिंग हुई वहाँ पर, जिसमें कि दो लड़के मारे गए और एक तरफ दूसरी तरफ से एक महिला की डेथ हुई। तो जो मारे गए हैं उसमें फौजी भी है, लड़का एक लड़का फौजी है। भैया इनमें कोई पहले से चल रहा है आपस में, दोनों पार्टियां भिड़ गई, हम लोग तो बीच बचाव में आए थे। हाँ, गोलियां ताबड़ तोड़े, एक तरफ गोलियां चलने लगी और गोलियां चलते ही ये मुझसे छोटा है तो दीवार के किनारे छुप के खड़ा था, पीछे से गोली मारी है। जो तुम्हारा भाई है घायल हुआ? ये घायल हुआ है, इसकी गोली लगी है। मेरा भाई है। क्या नाम है? नरसिंह। जो दो लोगों की मौत हुई है वो कौन है? वो भतीजे लगते हैं। अच्छा। बड़े वाले का नाम अनिल है, छोटे वाले का ललित है। मैं क्या रंजिश थी पुरानी? कोई वैसे ही रंजिश ऐसी कुछ नहीं है, वैसे ही मन मुटाव है आपस में। घटना कितने बजे की सुबह? सुबह घटना है करीब। ये फतेहपुर सीकरी थाने के अंतर्गत गांव जाजो पड़ता है, जिसमें एक ही परिवार के दो डिस्टेंट रिलेटिव्स के बीच में बताया जा रहा है कि किसी मामूली सी बात को लेकर के कहासुनी परसों रात में हुई थी, जिसमें परिवार के बड़े बुजुर्गों द्वारा हस्तक्षेप करके मामले को शांत करा दिया गया था। आज सुबह सब्जी लेने के दौरान फिर से उस किसी बात पर लोगों में तनातनी हुई, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर फायरिंग करी। उनके पास लाइसेंसी वेपन बताया जा रहा है, साथ ही साथ इनका आरोप है कि उनके पास नाजायज असलहे भी थे। तो जब झगड़ा हुआ और फायरिंग हुई, उसमें दूसरे पक्ष की मृत्यु हो गई है और जो तीसरे व्यक्ति घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। इसी बीच एक महिला की भी जो है मृत्यु हुई है, उनके सर पर आँख के पास एक चोट है, किस कारण से उनकी मृत्यु हुई ये पीएम के बाद क्लियर हो जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर ये परिवार में आपसी कहासुनी की वजह से उपजा हुआ एक टेम्परेरी विवाद दिख रहा है, क्योंकि बहुत हम लोगों ने पूछताछ करी तो इनके बीच में किसी भी पुरानी रंजिश का होना अभी तक प्रकाश में नहीं है। कोई आउटस्टैंडिंग विवाद, जमीन विवाद नहीं है, सिर्फ जो है मौके पर किसी बात को लेकर जो है दोनों में गर्मा गर्मी हुई है, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। जो इसमें जिन्होंने ये घटना कारित करी उनके लिए टीमें हमारी बना दी गई हैं और उनकी तलाश की जा रही है, वेपन जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। गांव में पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिस बल और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई, ताकि भविष्य में और कोई घटना इस प्रकार की ना हो। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई